हमारे पोस्टमैन यूनियन ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो काम है हमारे ऊपर जो प्रेशर है उसके हिसाब से 25 डिमांड का हमने मेमोरेंडम हमारे जनरल सेक्रेटरी दोनों भी मिलके डीजी पोस्ट को दिए। 25 दिन से वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारा मांग ये है कि जो आठ और नौ को जो हमारा स्ट्राइक हुआ ऑल ओवर इंडिया के अंदर पेंशन स्कीम एनपीए जो है स्क्रैप करने के लिए, यानी कि ओल्ड पेंशन जैसा सबको मिल रहा था वो हमको भी मिले। आज 2004 के बाद पेंशन नहीं देके हमसे काम ले रहे हैं। एक दूसरा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 25,000 पोस्टमैन का भर्ती होना है, वो भर्ती नहीं कर रहे। 250 आदमी के ऊपर 30 से लेके 150 किलोमीटर तक पोस्टमैन को एरिया दे रहे हैं कि बांटो आप। और आज नया स्कीम लेके आ रहे, प्राइम मिनिस्टर का या बैंक का जो स्कीम लेके आए, पब्लिक के अंदर से हम ही लेके आना, पोस्टमैन का ड्यूटी हम ही करना, हर वो काम हमारे लिए करवा रहे हैं। मगर हमारा जो पोस्ट है लेबर के टेम्पररी वालों को ला लेके काम करवा रहे हैं, और वो काम में आज पब्लिक के अंदर हमारा इमेज जाने के बाद ये डिपार्टमेंट को भेजने का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, वो पॉलिसी को हम रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। हम पब्लिक सेवा करने के लिए जिस अंदाज से पब्लिक का जो भी आर्डर लेटर है, जिस तरह आधार कार्ड मैन टू मैन डिलीवरी किए हम लोग, आज पासपोर्ट है तो मैन टू मैन डिलीवरी कर रहे हैं, आज आरटीओ का जो भी लाइसेंस आता है वो पोस्टमैन ही डिलीवरी करता, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक जो भी नोटिस आता पोस्टमैन ही डिलीवरी करता, उसका वैल्यू रहता है। मगर इस डिपार्टमेंट को आज गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए ख़त्म करने की, वो ख़त्म करने के लिए हमारे को तकलीफात दे रहा जा रहा है। तकलीफात देने का मतलब ये है कि जितना भी मेल आ रहा, हाँ ये बात है कि कोई लेटर हाथ से नहीं लिख रहा, मगर कंप्यूटर के जो इतना भी पेपर है, डुप्लीकेटिंग वर्क है, वो तमाम पोस्टमैन को आ रहा। हर कंपनी का वैड उसका अकाउंट पर है, वो पोस्टमैन ही डिलीवरी करता। आज गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है, एनआरईजी स्कीम है, हमारा पोस्टमैन डिलीवरी करता। आज ओल्ड एज को पेंशन जो दे रहा है गवर्नमेंट, हमारा ही पोस्टमैन और जीडीएस डिलीवरी करता है। ये तमाम चीज़ करने के बावजूद भी हमारे को सिर्फ 5 लाख रुपये एक आदमी का पोस्टमैन को लेके जाने का सिक्योरिटी बढ़ाए पड़े, 50,000 से 5 लाख कर दिए। आज वो पेंशन देने के लिए एक जो हमारा काम बढ़ गया है, काम बढ़ने का एक मराठा टाइम फैक्टर है। 8 घंटे के अंदर हमारा पोस्टमैन आधा घंटा खाना खाएगा, आधा घंटा रिटर्न देगा, 7 घंटे जो काम करेगा वो 7 घंटे के बजाय आज 12 घंटे हमारे पोस्टमैन से काम किया जा रहा है। और पोस्टमैन को जो आर्टिकल डिलीवरी 100% करने का एक प्रेशर कर रहा है, अगर कोई भाई अगर घर पे नहीं मिला वापस आए तो जाओ फिर दोबारा डिलीवरी करो, अगर जिस अंदाज से बोले तो हमारे को हमारा फैमिली छोड़ देके यही काम करना पड़ रहा। तो गवर्नमेंट अगर भर्ती कर दे तो 8 घंटे का नौकरी करने के लिए हम तैयार है, 8 के 10 घंटे। मगर हमारा पॉलिसी है पब्लिक के अंदर जो मेन काम है आज गवर्नमेंट कर दिया है कि पब्लिक से दूर करने का जो स्कीम निकाला है, एक स्टार्टिंग ऑफिस रहता वहाँ पे बंदों को नहीं देने के देके वहाँ पे 4-4 दिन 5-5 दिन वहीं पे रोक दे रहा। जब हमारा पब्लिक ये चाहेगा, अगर मैं दिल्ली में लेटर डालूँ, अगर हैदराबाद में डिलीवरी हो तो कल डिलीवरी हो जाएगा। इस पहले ज़माने में हमारा ये सिद्धांत था, मगर आज दिल्ली में डालो तो दिल्ली में 4-5 दिन रहेगा, हैदराबाद में 4-5 दिन रहेगा। जब हमारा समस्या ये है जो ओल्ड टाइम पब्लिक को सेवा देने का सिस्टम था उसको चालू करें। पब्लिक ये चाहता है कि आज का मेल आज ही मिले हमारे को, या कल मिले या परसों मिले, उसमें हमारा डिपार्टमेंट हमारे को तकलीफ दे के पोस्टमैन को बदनाम करने का पॉलिसी जो क्या उसको स्टॉप करना चाहिए हमारे। हमारे पास परमानेंट लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह जो भर्ती करना है, जो लोग एग्जाम देके पास हो रहे हैं उनकी जगह भर्ती करना है, नहीं भर्ती वो भर्ती करना चाहिए। उस तरीके से 25,000 पोस्टमैन भर्ती करना चाहिए। अभी यह सिर्फ पोस्टमैन यूनियन का एनएफपीडी और एफएनपीओ का धरना प्रोग्राम है। 2 महीने से हमारा स्ट्रगल ऑल ओवर इंडिया में चल रहा, ब्लैक बैचेस चला, स्टेट लेवल का हेड ऑफिस चीफ डी एन जी ऑफिस के पास धरना चला, उसके बाद पूरा मोबिलाइजेशन हुआ, उसके बाद 6 तारीख को यहाँ पे है, आज तक नहीं बुलाया, आज बुलाया गवर्नमेंट ने 6 तारीख को, तुम आओ हमारे से बात करो। जब धरना प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है वैसे टाइम पे बुलाया, और ऐसे टाइम पे बुला के वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, ये धरना प्रोग्राम को दबाने के लिए बुलाया। हमारे को ये चाह रहे कि हमारा जो डिमांड है, जो 9 डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूलिंग पास किया उसी के हिसाब से वैकेंसी दे, हमने यही चाह रहा, हमारा यही मांग है। आगे हमने 8 और 9 को ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्ट्राइक किया। हमारे पास विपन एक ही है, हम ना गवर्नमेंट से दूसरे पॉलिसीज के हिसाब से जाते, ना हमारे को मीडिया सपोर्ट कर रहा है, ना हमारा ऑफिसर सपोर्ट कर रहा है, ना पॉलिटिकल वाले सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो पब्लिक के अंदर है, हम पब्लिक के अंदर ही जाएंगे, पब्लिक से मिलेंगे। भाई हमारे मांगा ये है, आपको सर्विस बेटर करना है,
तो हमारे को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूलिंग दिया, वही रूलिंग से हम काम करना चाहिए हमारे को वो भर्ती करने के लिए। हम ना तनख्वाह बढ़ाओ बोल रहे हैं, ना हम ये बढ़ाओ बोल रहे हैं, ना हमारा कोई चीज़ ऐसी चीज़ है पूछ रहे कि गवर्नमेंट को खर्चा बढ़े। जो तुम्हारा मराठा टाइम फैक्टर है उसी के हिसाब से हमारे वैकेंसी फिल अप करो, ताकि हम पब्लिक का सेवा करें। पब्लिक के अंदर हमारा डिपार्टमेंट का जो ब्रिटिश से ज़माने से लेके आज 75 साल तक हमारा जो नाम है पोस्टमैन का, जो हर घर में इज्जत है, उसी तरह इज्जत बरकरार है। हमारा ये मांग, मैं आंध्र का तेलंगाना का सेंट्रल सेक्रेटरी एंड ऑल इंडिया CHO ऑफिसर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ मैं। मेरा नाम गुलाम रब्बानी है। पुलिस कांस्टेबल को हमारा स्केल पोस्टमैन का दोनों का बराबर है, इसीलिए 10,000 मांग कर रहे हैं। मगर वो MTS 5,000 बोले तो पोस्टल डिपार्टमेंट को 5,000 ही दे रहे हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट को 5,000 ही दे रहे हैं। पे कमीशन जो रिकमेंड किया, पे कमीशन में 10,000 पुलिस कांस्टेबल को दिया। जब वो पुलिस कांस्टेबल 10,000 मिलता है तो हमको भी मिले। जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ओनली कपड़ा सिलाना नहीं है, उसके अंदर सैंडल है, उसके अंदर टोपी है, उसके अंदर बैग है, उसके अंदर छतरी है, पूरे चीज़ लेना भी सिलवाई है। और हर महीने के अंदर हमारे को 90 रुपया कपड़ा धोने का वाशिंग अलाउंस मिलता था, वो वाशिंग अलाउंस भी हटा दिया। तो यानी कि 5,000 के अंदर ये सब चीज़ें करना, खाली हम ये नहीं समझाने के कपड़ा बना दे, यूनिफॉर्म बना दे, हमारा 5,000 दे दे, तो 5,000 के अंदर ये सब चीज़ करना है। जिस तरह से पुलिस कांस्टेबल को दिया जा रहा है 10,000 रुपया, पोस्टल डिपार्टमेंट में जो स्केल पोस्टमैन का स्केल है उसको भी 10,000 दिया जाए, मगर पे कमीशन का जो रिपोर्ट आया वो गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करना चाह रही उसी को हमारे को नहीं देना चाह रही। ये हमारी मांग है।